वंशिका, तो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ईमानदार लक्कड़हारा। रामदास एक ईमानदार लक्कड़हारा था, यानी कि रामदास एक लक्कड़हारा था। लक्कड़हारा वो होता है जो कि पेड़ों की लकड़ियों को काट करके उन्हें बेचता है। वह अक्सर नदी के किनारे खड़े शीशम के पेड़ से लकड़ियाँ काट कर बेचा करता था। वो अक्सर नदी के किनारे खड़े हुए शीशम के पेड़ से लकड़ियाँ को काट करके बेचा करता था। उन लकड़ियों के पैसों से ही उसकी दाल रोटी चलती थी, यानी कि उन लकड़ियों को बेच करके जो पैसे आते थे उसी से उसका खाना पानी चलता था। इस तरह उसके परिवार का निर्वाह हो रहा था। इसी तरीके से उसके परिवार यानी कि उसकी फैमिली का गुजारा हो रहा था। एक दिन दोपहर को लकड़ियां काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। एक दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था दोपहर में, तब उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट करके नदी में जा गिरी। वह उसे ढूंढने के लिए शीशम के पेड़ से नीचे उतरा। नदी में पानी का बहाव तेज था, यानी कि नदी का पानी का जो बहाव था, यानी कि जिस तरीके से वो बह रही है वो तेज था। उसे तैरना नहीं आता था। उसके परिवार की रोटियों का सहारा जाता रहा था, यानी कि उसका परिवार उस कुल्हाड़ी से अगर वो लकड़ियाँ काट के ना बेचे तो उसके परिवार का गुजारा नहीं चल सकता था, यानी कि उसके परिवार का जो रोटियों का सहारा था वो जाता रहा था। वह उदास होकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। वरुण देवता को रामदास पर दया आ गई। वरुण देवता यानी कि हवा के देवता, उन्हें रामदास को देख करके दया आ गई। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर के जो रामदास की कुल्हाड़ी पानी नदी में गिर गई थी उसकी वजह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के प्रकट हुए, यानी कि रामदास के सामने आए और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदास लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। यानी रामदास ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब वरुण देवता ने डुबकी लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और वह रामदास को देनी चाहिए। तब वरुण देवता ने नदी में फिर से डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और वो रामदास को देना चाहा कि ये तुम रख लो। रामदास लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी से भी इनकार कर दिया और रामदास जो लकड़हारा था उसने मना कर दिया कि यह कुल्हाड़ी मैं नहीं लूँगा। इसके बाद वरुण देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब फिर वरुण देवता आखिर में उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसे लेकर के नदी से निकले और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ महाराज, रामदास लकड़हारा खुश होकर बोला, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हाँ महाराज, हाँ, रामदास जो लकड़हारा था उसको अपनी कुल्हाड़ी को वापस देख करके बहुत खुशी हुई, तो उसने ये सब खुश होते हुए बोला, हाँ महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी है। रामदास लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से वरुण देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। लकड़हारा उन्हें लेकर के खुशी खुशी घर लौट आया। जब वरुण देवता ने उसकी सच्चाई को देखा कि उसमें बिल्कुल लालच नहीं है, अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी को अपना कह देता और वरुण देवता से वो कुल्हाड़ी और
वरुण देवता से वो कुल्हाड़ी ले लेता, लेकिन रामदास ने ऐसा नहीं किया। उसकी इसी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर कि जो वरुण देवता थे वो उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने जो सोने की चांदी की कुल्हाड़ी थी साथ उस लोहे की कुल्हाड़ी के वापस करने के साथ साथ वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी रामदास को दे दी और वो खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों और वो खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों को घर वापस ले करके लौट आया। आज उसे ईमानदारी का फल एवं पुरस्कार मिल गया और आज उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी का पुरस्कार यानी कि इनाम और फल मिल गया। थैंक यू।